देख रहे हैं एसजी न्यूज़। कल यानी 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में आ रहे हैं, जहां पर जो शताब्दी स्मृति स्तंभ बनाया गया है उसका उद्घाटन करेंगे। उनका जो टाइमिंग शेड्यूल है वो काफ़ी फिक्स है, वो मात्र 1.25 घंटे के लिए ही यहाँ रहेंगे। यही टाइमिंग को देखते हुए तमाम तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें 5:20 शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें रिसीव उनके स्वागत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तमाम मंत्रिमंडल के लोग मौजूद होंगे। इसके साथ ही 6 बजे का जो टाइमिंग है वो रखा गया है शताब्दी स्मृति स्तंभ के उद्घाटन के लिए। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के परिसर में पहुंचेंगे और उसके बाद 6 बजे जो है उद्घाटन का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार विधानसभा का जो वहां पर उद्यान बनाया गया है उसका भी नामांकन किया जाना है। आपको बता दें ये उद्यान काफ़ी अलग है, इसमें 100 तरीके की जो औषधियाँ हैं उसके पौधे लगाए गए हैं। इसका नामांकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके बाद 6:09 विधानसभा के लिए बनाए जा रहे नए संग्रहालय का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे। आपको बता दें उसके बाद एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उसमें कुछ गिने चुने लोग ही भाषण दे पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। स्वागत भाषण जो होगा वो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और इसमें कुछ गिने चुने लोगों का नाम आ रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लगभग 7:05 पर वापस प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जो स्मृति स्तंभ बनाया गया है जिसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसकी क्या खासियत है आइए आपको बताते हैं विस्तार से। 17 फीट का यह स्मृति स्तंभ ब्रॉन्ज मेटल से बना हुआ है। जिस तरह से सेंट्रल हॉल में बिहार का प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष के रूप में बनाया गया है, उसी तरह से ये प्रतीक चिन्ह भी बनाया गया है। इसमें 243 पत्ते लगे हैं जो विधायकों की संख्या को दर्शाता है। साथ ही 75 पत्ते लगे हैं जो विधान परिषद में MLC की संख्या है। वहीं इस बीच में 9 मोटे तने बनाए गए हैं जो बिहार की कमिश्नरी को दर्शाता है। साथ ही 38 ब्रांच बिहार के जिलों को दर्शाता है। बोधि वृक्ष के रूप में बनाए गए इस प्रतीक चिन्ह में स्वास्तिक भी है। ये विशेषता है स्मृति स्तंभ की जो बनाया गया, और इसी का उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो यहाँ आएंगे। और क्या भव्य कार्यक्रम किया जाएगा और किस तरीके से उनका स्वागत होगा, ये तमाम चीज़ें द एचडी न्यूज़ आप तक पहुँचाते रहेगा। और इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द एचडी न्यूज़ के साथ। अगर आप भी UPSC या JPSC परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशन, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर theprayasindia.com पर विजिट करें।